और सुमित अलवर के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। किक ऑफ का मौका भदर से एसोसिएशन सिक्स नंबर के पास गेंद अच्छी चकमा के साथ गेंद को आगे बढ़ाते हुए एक चकमा के बाद है यहाँ पर दो खिलाड़ी को चकमा देने के बाद तेजी के साथ आगे बढ़ने के प्रयास करते हुए भदर से एसोसिएशन की टीम के पास गेंद और दूसरी चकमा के साथ है यहाँ पर अपने ही नियंत्रण में गेंद को रखी है। छोटे पास के इस्तेमाल बाल छोटे रन बनाने का प्रयास करते हुए देखना पड़ेगा छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए आठ नंबर सुंदर उछाल के साथ बाल छोटे खिलाड़ी को देने की कोशिश करी थी लेकिन मौजूद नहीं और गेंद चली गई गोलंज बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और श्री श्री स्वप्नेश्वर कमेटी मेंबर जो कि लेडीज मेंबर हैं आप सबों से निवेदन है स्वागत टीम जो बनाया गया है स्वागत टीम से निवेदन है महिलाओं के लिए सूचना है महिला सदस्यों के लिए आप लोग हमारे मुख्य गेट के समक्ष आ जाने की कृपा करेंगे। जो भी महिला सदस्य हैं स्वागत के लिए जिनको बोला गया है आप सबों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज हमारे मुख्य गेट के समक्ष आने की कृपा करेंगे। काफी रोमांचक मुकाबला पहला सेमीफाइनल खेल खेलते हुए दोनों टीमें लंबी उछाल के जरिए छह नंबर के लिए ढूंढने का प्रयास है टप्पा खड़े के बाद तेजी आई गेंद पर और सीधे गोलकीपर के दस्तानों में काफी सुंदर थ्रॉ पास देते हुए और देखना पड़ेगा छोटे छोटे पासों को इस्तेमाल करते हुए और देखना पड़ेगा यहाँ पर नियंत्रण अच्छी समर्थन पास खेला है लाल चौक के खिलाड़ी को देते हुए उन्होंने नियंत्रण किया पास करी है और ग्यारह नंबर के पास गेंद लेकिन छीनने में सफल फिर से मदर से मिलता हुआ बस नियंत्रण करने के बाद ड्रिल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए सेंटर फोर्ड के सेंटर फोर्ड है दो ग्राउंड के बीच से निकालने का बिल्कुल प्रयास कर रही है यहाँ पर क्या कुछ करेंगे के साथ कोशिश उन्होंने की थी खेलते हुए टॉप पोजीशन में मैच खेलता हुआ और अब तक दोनों टीमों ने ऐसी मोमेंट नहीं बनाई है जो कि गोल लाने सके लेकिन भरपूर प्रयास में मेहनत मशक्कत करते हुए गोल दागने का भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं। काफी रोमांचक मुकाबला है और सेकंड सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे सेकंड सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे वो टीम होंगे सुमित लबंजाली और रोहन अलेवन। आप दोनों टीमों से निवेदन अनुरोध है सेमीफाइनल बिल्कुल तैयार रहेंगे और अगला मैच के लिए जो दूसरा सेमीफाइनल मैच रहेगा उसके लिए पूरी तरह से तैयारी अवस्था में रहेंगे सुमित इलेवन जाली वर्सेस रोहन इलेवन और आज का ग्रुप डी का मैच में सुमित इलेवन जाली की टीम पूरी तरह से सनसनी फैलाते हुए आज ग्रुप डी से चैंपियन हमारे श्री श्री सिद्धेश्वर मंदिर कमेटी गणेश क्लब प्रतिभागी के वर्ष 2024 के फुटबॉल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान खुशो अपट जी हमारे मैदान पहुंच चुके समीप जाएंगे उनका विधिवत स्वागत करके हमारे मुख्य मंच में विराजमान कराएंगे धन्यवाद। बीच पहला सेमीफाइनल मैच मदरासाई एसोसिएट वर्सेस सुमित इलेवन के बीच में पहले हाफ का मैच में दोनों ही टीम शून्य शून्य की बराबरी पर और इस मैच का संचालन करते हुए पूरा और के साथ मद्रासाई एसोसिएशन की ओर से पहला गोल सेमीफाइनल में पहला गोल और एक दर्शनीय गोल देखने को मिलता हुआ टीम मद्रासाई एसोसिएशन की ओर से। और यहाँ पे शुरुआती छटका देते हुए टीम मद्रासाई एसोसिएशन सुमित इलेवन के खिलाफ है एक शून्य की महत्वपूर्ण बढ़त है और कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम सुमित इलेवन के पास से अभी भी समय है क्योंकि
अरे कल कल शाम को लिया था ना, इसीलिए क्या हो गया? क्या क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जिन्हें दिया करेंगे हम बोल रहे हैं बड़विला हेलो और इसी बीच हमारे गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं फ्रेंडशिप फुटबॉल टूर्नामेंट हमारे गेस्ट श्रीयुक्त मुसाफर जी को हार्दिक स्वागत साथ में हमारे वरिष्ठ नेता विजय मांडी जी प्रदीप ठक्कर जी और भुवनेश्वर से आई हुई फिल्म निर्देशक जीना सावल जी को हम स्वागत करते हैं। बोलो चुप हो जाते हो मार दिया। हेलो हेलो और निश्चित रूप से आज हमारे बीच आज के तमाम अतिथि मुख्यमंत्री विराजमान हो चुके हैं मंत्री किशोर पाठ विजय सेक्रेटरी उनके साथ साथ आदरणीय श्री विजय मंत्री उनके साथ साथ आदरणीय श्री प्रदीप ठक्कर जी उनके साथ साथ ओडिया फिलिप सिरे सिरत के हीरो क्या हुआ हेलो हेलो जी हेलो 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 इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा उन दो टीम के टीम कैप्टन आपसे गुजारिश से अपने टीम को लेकर के बहुत अवसर पहुंच जाएंगे और आज हमारे बीच जिनको हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हो चुकी है ओडिया फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोइन सीना सावल हमारे मुख्यमंत्री विराजमान और उनके साथ साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कुशवाहा जी आदरणीय श्री विजय मोहंती जी आदरणीय श्री प्रदीप ठक्कर जी जी ने हेलो
देखो बे चंपा देखो बोल फेस है बाघो बोल फेस हेलो हेलो अब पूरा आप सबों को लिए चलते हैं पहला सेमीफाइनल मुकाबला की तरफ जहां पर एक बेहतरीन फुटबॉल मैच चलता हुआ कहना पड़ेगा सुमित इलेवन के पास है गेंद सुमित इलेवन अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ चार नंबर के पास है गेंद अपने नियंत्रण में रखी है और थर्ड पासों का इस्तेमाल करते हुए अकड़ बिका मकड़ के लिए जाता हुआ देखना पड़ेगा लेकिन डिफेंडर क्लियर करने की कोशिश और गेंद को वापस करने का प्रयास करते हुए लेकिन फिर से चार नंबर के पास है गेंद उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को और देखना पड़ेगा सभी खिलाड़ियों को और सुंदर उछाल के साथ डालने का प्रयास फिर से नौ नंबर को मिलता है उससे पहले हैंडबॉल का इशारा दी है हाथों से जा टकराई थी गेंद इसलिए इसे फॉल करार देते हुए पूरी तरह से उनको दारोमदार दी गई है सुमित इलेवन की टीम के पास है गेंद भाई पास है किक करने का पोजीशन लेते हुए सुंदर उछाल के साथ बाएं पास है लेकिन गुड हेडर के साथ क्लियर की गेंद को और टप्पा खाने के बाद इशारा है अनुराग सोय जी का कॉर्नर का मौका मिलता हुआ एक कॉर्नर का अवसर है इस समय सुमित इलेवन को पास के रूप में इस्तेमाल किया चार नंबर को देते हुए छोटे पास का इस्तेमाल आक्रमण के मोमेंट के लिए जाता हुआ लेकिन फिर से टकराई डिफेंडर से चली गई मात्र गोल लाइन से बाहर और एक कॉर्नर का अवसर मिलता हुआ देखना पड़ेगा ये दूसरा कॉर्नर लगातार और वॉलंटियर से ध्यान देंगे आप लोग किसी भी पब्लिक को मैदान के अंदर घुसने ना दें और कहना चाहेंगे पोस्ट के आसपास कोई भी पब्लिक नहीं रहेंगे दर्शक बंधु ध्यान देंगे आप लोग गोल पोस्ट के आसपास बिल्कुल नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये फुटबॉल खेल है गोल पोस्ट का अहम भूमिका रहता है इसलिए आप लोग बिल्कुल विधि व्यवस्था को बनाए रखने में हमें सहयोग करने की लेकिन इसे रोकने में कामयाब हुए और बाहर और जो सामने है उस सामना को खाली रखने की कृपा करेंगे स्वागत है सभी हमारे लोकप्रिय अतिथियों का विक अतिथियों का और विशिष्ट अतिथियों का पुनः हम हमारे मंच पर उन सबों को आमंत्रित करते हैं बुलाते हैं मंच में मंचासी होने के लिए और अब खेल का शुरुआत किया जाएगा आप सबों के समक्ष काफी सुंदर मुकाबला होता हुआ मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ इस समय देखना पड़ेगा इस समय एक शून्य का बढ़त के साथ खेलते हुए इस समय खतरा सही शिशिर की टीम आदि ने से रोका है गेंद को अपने नियंत्रण में रखे वॉलंटियर प्लीज आप लोग मैदान से बाहर रहेंगे वॉलंटियर से ध्यान देंगे मैदान से बाहर रहेंगे और सभी दर्शकों को भी मैदान से बाहर रखेंगे काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर पास करने की कोशिश अपने नेता में रखी है दिल्ली का तो आगे बढ़ने का प्रयास छोटे पास के समय चार नंबर को देते हैं उन्होंने अच्छी तालमेल बनाई है पर अपने मोहन के लिए लेकिन इस समय गोलकीपर लपक लिए गेंद को कोई मुनाफा नहीं सुमित इलेवन की टीम को देखना पड़ेगा अगला मुकाबला के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे वो दो दिग्गज टीम होंगे जो कि संघर्ष सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए रोहन इलेवन और महंतो प्रदर्श सुमित इलेवन जाली सुमित इलेवन जाली और रोहन इलेवन आप दोनों टीमें अगला मुकाबला के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे यानी कि दूसरा सेमीफाइनल मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे इस समय भद्रा साई एसोसिएशन की टीम के पास है गेंद एक शून्य के बढ़त के साथ खेलती है गेंद पर कुलता बगैर अपने नेता बढ़त करें पर आकर्षक का बमन बनाने के लिए छह सात पर कुलता बगैर बाएं पास है जो नसीब के साथ है आक्रमण करना चाहते थे लेकिन दिशाहीन भी गेंद और चले गए मैदान से बाहर सभी दर्शकों को थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठाएंगे क्योंकि फाइनल मैच में दिक्कत ना हो मैं काजी को आई में जिको चला बोला वो रेफरी को काको दिक्कत हो काको एनजीओ तो जिको ना वो चला बोल दूंगे Thank you.
हेलो आओ बिचरे मुख्य गुरुजन हिसाब से अच्छा विजय महांती सर आम को दु शब्द सुनैली कंठ शब्द किसी शुणा को चाहछ समस्त फुटबल प्रेमी मंकासीन मुख्य अतिथि उषा पट महोदय ओडिया अभिनेत्री जिन्ना सामल महोदय सगरमुंडा महोदय प्रदीप सगर महोदय निमंत्रित अतिथिवृंद प्रत्येक वर्ष बहु आनंद सहकार आदि वर्षा सत्ते आपण मैंने बहुत संख्यार जोग दे खेल को साफल्य मूल्यित कर समस्त श्रेय गणेश लोहार प्रजोज्य गणेश लोहार खेल आदि चंपा सबिजन ने गोटे अन्यतम खेल में परिणत होती समस्ते धन्यवाद देवा दरकार कि प्रत्येक वर्ष ये खेल हो पार्टी खेल द्वारा निज भितर गोटे संपर्क सृष्टि हुए गाँ गाँ भितर संपर्क हुए देश देश भितर एत फुटबल प्रेमी ये अच्छा जहाँ भी हूँ आज गणेश लोहार कृतित्व धन्यवाद दे मोर वक्तव्य मुझे शेष कर धन्यवाद विजय महाती सर गुरुजन हिसाब से कोटि कोटि प्रणाम आमर आमर अतिथि हिसाब से आब्र मुंडा सर दी शब्द आपण को खाली दीपद आप कंठशी शुणा को चाहते नमस्कार समस्त को मंचासी समस्त अतिथिवृंद हाथ समस्त खिलाड़ी खिलाड़ी खेल प्रेमी भाई और भूल मैंने जहाँ हूँ दीर्घ पांच दस कोड़े मुझे निमंत्रित आज भगवान मत सुजोग दे आप दल रही आप आंतरिकता शुभेच्छा और शुभेच्छा जनाऊे जहाँ हूँ यह अनुष्ठान को दीर्घ दिन धरी आम अंचल समाजसेवी गणेश भाई बलवत्त रखिंट से आंतरिक सह शुभेच्छा ज्ञापन करुचे तो संगे संगे ये तर जो आयोजक बंधु मान अच्छा से धन्यवाद जनाऊे जहाँ ये अंचल लुप्त अवस्था थे गणेश भाई जीवित रखी थो आंतरिक सह शुभेच्छा ज्ञापन करी मुझे कर्तव्य रखी धन्यवाद मु बर्तमान आम युव सभापति विजु जनता दल श्रीजुक्त प्रमोद प्रधान महोदय को अनुरोध करी सी आम दिपद कह उपस्थित समस्त दर्शक मोर आंतरिक शुभेच्छा मंचासीन मुख्य अतिथि श्रीजुक्त कुश भाई अपन ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ମୋତେ ଦିନରେ କୁଶ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଯିବା ଗଣେଶ ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡ ମୋ ସହକାର ଖୁସି ସହକାର କହିଲି ହଁ ଭାଇ ଯିବା କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏହି ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆୟୋଜନ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ହାର୍ଦ୍ଦିକର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ପାଣି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଅକାଳ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।
ये मुख्य अतिथि के तौर पर ये मेज